भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार के शासन में प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद खराब है। आए दिन हत्या, लूट और दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में जनता का सरकार पर से विश्वास उठता जा रहा है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने FIR को प्रमोट किया है, लेकिन जो जमीनी तौर पर अपराध होते हैं उसके बारे में उनके पास कोई तर्क नहीं है। उनकी नाक के नीचे एम्बुलेंस कर्मी किसी बिलखती हुई रोटी मांगती हुई गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप होता है, उसका जवाब किस रूप में देंगे? किसी सांसद पर जानलेवा हमला हो जाता है, उसका उनके पास कोई तर्क नहीं होगा। 16,000 से भी ज़्यादा घटनाएं केवल महिलाओं के गैंगरेप और बलात्कार से ताल्लुक रखती हैं। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान को ये माना जाता था कि ये पीसफुल स्टेट है, शांतिपूर्ण प्रदेश है, उस पर सीधे सीधे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि आज राजस्थान सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार हो गया, खासतौर पर महिलाओं के अपराध, और राजधानी जयपुर में जिस तरीके से अपराध बढ़े वो चिंताजनक है।